तो बड़ी खबर एक और आ रही, पाकिस्तान के आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने बड़े खुलासे किए। सूत्र ये बता रहे हैं साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुए थे उस दौरान इसने हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये उस ब्लास्ट में शामिल था या नहीं था ये अभी पूछताछ में साफ होगा। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी, तो रेकी करने के काम को तो इसने अभी स्वीकारा है। तो अशरफ ने आईटीओ ब्लास्ट की रेकी भी की थी। साथ ही साथ आपको बता दें जो इससे पहले अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने ये तमाम खुलासे किए और कहा कि 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उस दौरान भी इसने हाईकोर्ट की रेकी की थी। हालांकि ये उस ब्लास्ट में शामिल था या नहीं था अभी ये पूछताछ में साफ नहीं हो पाया है। इस बाबत अभी इससे पूछताछ भी चल रही है। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। एक तरफ कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद त्योहारों के मौसम में फिर से खतरा बनकर मंडरा रहा है। दिल्ली में 15 साल से छिपा पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया। देश के बाकी हिस्सों में भी आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में ये आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे। इसलिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती अलग अलग इलाकों में जहां भी आशंका लग रही है वहां पर रखी गई है और एक के बाद एक ये आतंकी धरे जा रहे हैं, इन्हें पकड़ा जा रहा है। डायरेक्टली पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर ने इसको रिक्रूट किया था, स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज की और उसके बाद उसको फिर मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है कोई जो इसको पता है कि कोई पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिशियल है जिसने इसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। नहीं, इसने पिछले जैसे मैंने कहा एक डिकेड से ऊपर रह रहा है, ये इंडिया में कई जगह पर रहा है, ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहां भी रहा है, तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके दो ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला है।